मार्किंग। अभी क्या है, जो हमारे पास ये बोन है प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, कुछ इसकी मार्किंग्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बोन मार्किंग बेसिकली क्या है, सरफेस पे से सरफेस फीचर्स ऑफ बोन होता है कि जो हमें बाहर से ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये क्या रोल प्ले कर रही होगी, साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। ये एक मसल को दूसरी मसल के साथ में कंबाइन करने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, टेंडन्स होंगे तो वहां किस तरह का स्ट्रक्चर होगा लिगामेंट्स के लिए, और नर्व और ब्लड वेसल्स के पासेस वो कहाँ से निकल रहे होंगे। तो उन सभी चीजों को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ना ऐसे मार्किंग कर दिया, नाम दे दिया है कि वहां से ये सारी चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको हमने थ्री ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्रोजेक्शन फॉर मसल अटैचमेंट कि जहां से मसल अटैच करेंगी उसके लिए, सरफेस दैट फॉर्म जॉइंट्स, डिप्रेशन और कैविटीज। ठीक, तो इसके बेस पे यहाँ पे हमने इन सबको डिवाइड किया। तो ये एक आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन दैट आर साइट ऑफ मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट। तो जहां से हमारी दूसरी मसल या लिगामेंट अटैच होंगे वो हमारे पास किस किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ आता है ट्यूब्रियोसाइट। ठीक, तो ये क्या लार्ज होगा, राउंडेड प्रोजेक्शन है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं इस बोन में, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है ये हमारे पास क्या, इसका ट्यूब्रोसाइट ही है, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। सेकेंड हमारे पास आता है इसमें क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होगा, ये नैरो रिज रिजेस होगा वो बोन का, ये इस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर, और ये यूजुअली प्रोमिनेंट है, बहुत ही कॉमनली मतलब सभी ज्यादातर बोन्स में ये मतलब मिल जाता है। तो ये क्रिस्ट हमें इस तरह से देखने को मिलता है। देन हमारे पास आता है प्रोकैंटियर, ये लॉन्ग है, वेरी लार्ज होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो ये ब्लंट होता है, इरेगुलर शेप का है, कोई पर्टिकुलर शेप हमारे पास नहीं होती है। देन लाइन नैरो रिजेस ऑफ बोन्स, लेस प्रोमिनेंट देन द क्रस्ट। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास ट्यूबरकल, स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं। एपिकोंडाइल, जो राइज एरिया होगा कॉन्डाइल का, उनको हम बोल देते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे ये कॉन्डाइल हमें देखने को मिल जाएंगे। स्पाइंस होंगे हमारे पास, जो शार्प होंगे, शार्प स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनको हम स्पाइंस बोल दे रहे हैं। और प्रोसेस, ये कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर अगर ये आगे को कंटिन्यू करता है तो उसको हम प्रोसेस बोल देते हैं। तो ये स्पाइनस प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगे। देन प्रोजेक्शन दैट हेल्प टू फॉर्म ज्वाइंट। अब जहां पे ज्वाइंट हो रहा होगा वहां पे हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, हेड, फेसेट, कॉन्डाइल और रैमस। ठीक, तो हेड क्या है, ये बोनी एक्सप्रेशन है कैरिड ऑन अ नैरो नेक। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होगा, ये रिब का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये यहाँ का जो पोर्शन है इसको हम हेड बोल दे रहे हैं, और बिल्कुल जो आगे का हमारा सरफेस एरिया होगा उसको हम फेस बोल देते हैं। कॉन्डाइल, ये हमारे पास राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे, ये इस स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, पीछे भी बताया था कॉन्डाइल इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हमने बोल दिया। रेमस क्या होते हैं, ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम रेमस बोल देते हैं। अब कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट होंगे जहां से कि हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व पास करेंगी, तो उन वेसल्स क्या क्या ये हमारे पास है, मिएटस, जो कि कैनाल, ये क्या होगा, मिएटस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये पूरी एक ऐसे ना ट्यूब लाइक कैनाल लाइक पूरा स्ट्रक्चर होगा जहां से कि हमारी ब्लड वेसल्स या फिर नर्व पास करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें साइनसेस, ये क्या होगी, कैविटी होगी विद इन द बोन, ये इधर, ठीक, यहाँ पे ये कैविटी होगी और इसके चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फोसा में क्या होगा, सेलो और बेस लाइक डिप्रेशन होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे डिप्रेशन होगा कि जैसे दो आउटर साइड में निकले हुए होंगे और अंदर का क्या होगा, क्या डिप्रेशन लिए हुए होगा, ऑफन सर्विंग एज द आर्टिकुलर सर्फेस। फिर ग्रुप होंगे जो कि फरो बने हुए होंगे बीच में, वो हमारे पास ये ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। फोरामेन होगा राउंडेड और ओवल ओपनिंग थ्रू अ बोन। ठीक, तो यहाँ से ये फोरामेन जो कल भी दिखाया था मैंने आपको स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो हमें आउटर मतलब बोन को बाहर से देख के हमें मार्किंग कर सकते हैं कि किसी बोन में ये चीजें प्रेजेंट होंगी।